अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उमर सुलेमान और मैं हुसैन काउस। इस नई वीडियो में एक दोबारा से हम जो है जैक न्यूट्रिशन पे विज़िट करने आए और आपको दोबारा से यहाँ का विज़िट करवाएंगे और तमाम जो है यहाँ प्रोडक्ट्स जितने भी हैं हम आपको दिखाएंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ के जो मैनेज करते हैं यहाँ पे जो सा पूरा स्टोर है उनसे मिलवाएंगे, सैफुल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैफुल भाई से क्वेश्चन वगैरह करेंगे। अक्सर आप लोग ही मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि कौन सा प्री वर्कआउट इस्तेमाल करें या फिर कौन सा मैस गेनर लें, इसके अलावा प्रोटीन हम कौन सा यूज़ करें। तो उसको और ये भी आप अक्सर क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि कैसे यूज़ करें, कब यूज़ करें, तो हम इनसे पूछेंगे क्योंकि ये हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं ना। सफल भाई, बिगनर्स जो हैं अक्सर मुझसे यही पूछ रहे होते हैं कि हमें कौन सा प्री वर्कआउट। सबसे पहले हम लोग प्री वर्कआउट का पूछते हैं इनसे, प्री वर्कआउट का बताएं कि हम कौन सा यूज़ करें बिगनर एक्चुअली उनके। प्री वर्कआउट्स के अंदर भी डिफरेंट पोटेंसीज होती हैं। कुछ बिगनर लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल पे आते हैं। उसमें बिगनर्स के लिए C4 रिकमेंड करता हूँ मैं। C4। ये बिगनर्स के लिए बिल्कुल बेस्ट है। इसमें कैफीन, लो कैफीन है, लो सिट्रुलिन है, सारे इंग्रेडिएंट इतनी हाई पोटेंसी में नहीं है। एक सही। वर्कआउट में सपोर्ट करेगा, साथ स्टेमिना बूस्ट करेगा। दूसरा ये कि कब यूज़ करना है इसको, इसको वर्कआउट से 20 से 25 मिनट पहले ले 20 से सकते हैं, एक 25 मिनट स्कूप। पहले। जी, और इसके यानी कि बेनिफिट क्या होंगे, उनको क्या बेनिफिट मिलेंगे बिगनर्स इससे एक तो को। मसल पंपिंग प्रोवाइड करेगा मतलब ये, दूसरा इसके अलावा ये एंड्योरेंस, स्टेमिना और ब्लड फ्लो तेज करेगा ब्लड बॉडी फ्लो में। तेज़ जी करेगा ये, तो यही जो है इसके बेनिफिट्स वगैरह। अगर आप जी यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ ज़रूर आके विज़िट करें। दूसरा, मैं आपसे मैस गेनर के बारे में पूछते हैं कि मैस गेनर जो है अक्सर बिगनर्स को यही जो है क्वेश्चन होती है कि हम वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो आप उनको सबसे पहले सजेस्ट क्या करेंगे, उनको क्या करना चाहिए, कौन सा यूज़ देखिए, करें वो। वेट गेनिंग के लिए सबसे पहले कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा। अगर किसी की बॉडी को मेंटेनेंस के लिए 1300 से 1400 कैलोरीज चाहिए तो उसको वेट गेन कर लेगी, कैलोरी सरप्लस यानी 1300 1400 से ऊपर, 2000 2300 इस तरह जाना पड़ेगा उसको। और वेट गेनर का मकसद यह है कि उसमें प्रोटीन कम होती है, कैलोरीज और फैट शुगर ज़्यादा होता है, वो बेसिकली बनी वेट गेनिंग के लिए है। सही है। अब अगर कोई खाली इस पर रिलाई करे, दूसरी डाइट नहीं लेगा, तो वो जो वेट गेनर है वो उसकी 1300 1400 कैलोरीज को पूरा करता रहेगा, लेकिन वेट गेन नहीं होगा। इसलिए वेट गेन करने के लिए आपको प्रॉपर दूसरी डाइट के साथ इसको एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो फिर वेट सही, गेन होगा। यानी कि फर्स्ट डाइट होगी, जी उसके बाद हमें सप्लीमेंटेशन में जी आना होगा। जी सप्लीमेंट में फिर हमें कौन सा लेना चाहिए मैस वेट गेनर गेनिंग में, के वेट लिए गेनिंग के लिए सबसे पहले तो आप ब्रांड कोई भी ले सकते हैं। आप कोई नॉन कोई भी ब्रांड ब्रांड। हो, अमेरिकन ब्रांड, कोई भी नॉन ब्रांड ले सकते हैं। आप उसके न्यूट्रिशन फैक्ट चेक करें और सबसे ज़रूरी है कि उसको यूज़ ठीक तरीके से करें। जैसे किसी की 2 स्कूप की डोज है या 6 स्कूप की डोज है तो आप उसको अकॉर्डिंग लेके चलें, आप कम ना करें उसको। अक्सर लोग 1 स्कूप या हाफ स्कूप तक ही लेके चलते हैं, इसलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो बचत करने के लिए ना जी वो। अच्छा, तो दूसरा ये कि ये बताएं कि यहाँ पे जो है डिमांडेड होते हैं ना अक्सर, आप तो सेलिंग कर रहे हैं आपको पता होगा कि डिमांड किसकी आ रही है मैच गेनर की, जी वो हमें दिखा दें आप। एक्चुअली हमारे पास सारे top 10 अमेरिकन ब्रांड होते हैं, फिर भी मैं आपको जो आपके हिसाब से यानी कि आप वो जो मैं आपको समझते हैं कि बता ये देता हूँ, बेस्ट है। उसमें एक सीरियस मैस ये मिलेगा आपको, सीरियस मैस मिलेगा और रशियन बियर, ये दोनों टॉप पे चल रहे हैं इस टाइम। रशियन बियर ना, जी इसमें आपको यानी कि इसमें प्रोटीन कितना मिलेगा एक स्कूप में, इसमें 2 स्कूप की डोज है, 2 स्कूप में टू स्कूप आपको में। 50 ग्राम प्रोटीन, 1250 कैलोरीज और 284 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। और अब मैं उसको अगर मैं ले लूँ आपसे, उसके जी बाद फिर मैं उसको यूज़ कैसे करूँगा। आप इसको ले सकते हैं, 1 स्कूप आप इसका ऐड कर सकते हैं सुबह ब्रेकफास्ट से पहले या बाद, किसी भी टाइम ऐड कर सकते सुबह हैं। यानी कि ब्रेकफास्ट में, जी, और एक आपने पोस्ट वर्कआउट में लेना है, सुबह वाला आप स्मूदी में ले सकते हैं और पोस्ट वर्कआउट वाला पानी में ले सकते हैं। पोस्ट वर्कआउट यानी कि आप वर्कआउट करने के बाद इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जी और दूसरा रजियन बेयर का बता रहे थे, रजियन बेयर इसके भी यानी कि कितना ग्राम होगा प्रोटीन इसकी का। टोटल जो डोज है वो 6 स्कूप की सर्विंग है इसकी। 6 स्कूप ही है। 6 स्कूप के अंदर आपको मिलेगा 118 ग्राम प्रोटीन और 330 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 1800 कैलोरीज मिलेंगी आपको। 1800 कैलोरीज। तो ये थे प्री वर्कआउट का हो गया और इसके अलावा मैस गेनर्स का। अब आते हैं प्रोटीन जिसको लेना हो जी तो वो आप कौन सा रिकमेंड करेंगे। प्रोटीन गोल पे डिपेंड करता है, किसी का गोल लीन करना है, किसी का बल्क करना है। सबसे पहले तो बल्क का बता दें। ठीक है, बल्क में अगर कोई चाह रहा है कि मैं वेट गेनर ना लूँ, बॉडी में फैट ज़्यादा ना आए, तो उसके लिए फिर सिंथासिक्स रिकमेंड करते हैं, जो ब्लेंडेड सिंथासिक्स प्रोटीन सोर्सेज होते सही हैं। है। सिंथासिक्स रिकमेंड करते हैं कि ब्लेंडेड प्रोटीन उतना बल्क नहीं लाएगा जितना गेनर लाता है, थोड़ा सा बल्की शेप में आएंगे मसल्स। बाकी तो सारा डाइट पर रिलाय जी होगा ना। जी जी अच्छा, दूसरा कौन सा, अगर मैं लीन करना चाहूँ बॉडी को, यानी कि मैं सिक्स पैक्स, अक्सर जो है लड़के बोलते हैं हमारे सिक्स पैक्स हों,
तो उसके लिए नाइट्रोटेक रिप्ड यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रोटेक रिप्ड जी, और आइस 100, और उनकी जो है यूज़ कैसे करेंगे उसको भी, वो भी पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हैं और किसी भी टाइम ऐड कर सकते हैं, मेजर मील्स के साथ ऐड कर सकते हैं उनको। तो यही था आपको नॉलेज देने का एक ज़रिया, मुझे यही कोशिश थी कि मैं आपको समझा सकूं। दूसरा ये कि हाँ, सबसे जो यहाँ ये प्रोडक्ट आया इसके बारे में थोड़ा रिव्यू दे दें, ये इसका बता दें, ब्लेड स्पोर्ट वालों का जो है 2LV इसका बता दें आप। ये 100% वे प्रोटीन है, जैसे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का भी है, यानी कि उसी की तरह है। उसके प्राइसेस और इनमें कितना डिफरेंस होगा? प्राइसेस तकरीबन सेम है, तकरीबन सेम जी, जो वे प्रोटीन है उसकी सेम ही होती है, थोड़ा 19-20 के फर्क होता है। सही, इसकी पैकिंग जो है बड़ी ज़बरदस्त है, और ये इसके बारे में एक और बात क्लियर कर दूं मैं, ये हलाल सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड आ रही है। और ये ब्रांड कहाँ का है? यूरोपियन ब्रांड है, हंगरी का ब्रांड है जी। सही है, इसमें एक स्कूप में आपको 22 ग्राम प्रोटीन मिलेगी और फैट भी 2 ग्राम है, लो फैट है, लीन मसल बिल्डिंग के लिए अच्छा प्रोडक्ट, लीन मसल के लिए जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए भी बहुत जो है फ़ायदेमंद रहेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।